मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आपका जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 8 हिस्ट्री का, उसमें आगे बात करते हैं। तो आगे जब ये सारे हमारे 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद जो जो चेंजेस किए ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उसके बाद फिर क्या स्टार्ट हुआ हमारा? मेनली फिर स्टार्ट किया गया ऐसी कंडीशन दोबारा ना बने तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक इनके ऑफिसर थे एओ ह्यूम, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस या कह सकते हैं इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने डेवलप करने का एक विचार रखा अपना। इसमें क्या था, इसका मेनली रीज़न ये था कि जो कंडीशंस हुई 1857 के रिवॉल्ट के बाद, ऐसी कंडीशन दोबारा ना आए। इसमें क्या था, इस कमिटी में या इस नेशनल कांग्रेस में ऐसे लोगों को, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को लोगों के बीच से इलेक्ट किया जाए, ठीक है, और उनकी एक कमेटी बनाई जाए, वो डायरेक्टली बात करें गवर्नमेंट के साथ में, उनका कनेक्शन रहे, ठीक है। तो इससे क्या रहे कि शांति बनी रहे, रेगुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो ये सारी कंडीशंस उन्होंने रखी थी। उसके बाद अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे वो अलग अलग कास्ट के, अलग अलग कमिटी कम्युनिटी के, ठीक है, साथ में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। उसके बाद इसके मेनली ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें कि ये जो हुआ क्यों हुआ, तो मेनली क्या था, टू प्रमोट फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल इंटीमेसी अमंग पीपल हु वर्क एंथुसियास्टिकली फॉर द कंट्री, यानी कि जो ऐसे लोग जो कंट्री के लिए काम करना चाहते हैं, थोड़े से पढ़े लिखे हैं, ठीक है, अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, उनको इसके साथ मिलाना गवर्नमेंट के साथ में, ठीक है, और एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना, टू इरेडिकेट द डिफरेंसेस ऑफ कास्ट रिलीजियन एंड रीजन्स एंड रिमूव द प्रीजुडिसेस थ्रू फ्रेंडशिप एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू डेवलप यूनिटी एंड नेशनलिटिक्स फीलिंग। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब क्या है, जो इस टाइप का रेवोल्यूशन दोबारा ना हो, इसलिए लोगों के साथ में वो फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, यानी इसमें जो लोग होते थे, वो क्या करते थे, वो अलग अलग रीजन से, अलग अलग कास्ट से आते थे, तो वो अपनी कास्ट में, यानी कि ये कह सकते हैं अपनी कम्युनिटी में, ठीक है, उनका एक तरह का बोलबाला रहता था, जिस वजह से उनकी बात लोग सुनते भी थे। अब उनकी बात सुनते हैं और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के गवर्नमेंट के साथ में बात कर रहे हैं या उनके कॉन्टेक्ट में है, तो उस टाइप से एक फ्रेंडली रिलेशन बन गए थे उनके बीच, जिससे कि रिवॉल्यूशन होने की कोई बात नहीं थी। रिवॉल्यूशन कब होता है, जब लोगों को लगे कि नहीं, हमारी कोई बात सुनने वाले ही नहीं है, ठीक है, जो करना है हमें ही करना है, तो रिवॉल्यूशन होता है। तो ऐसी कंडीशन को कम करने के लिए उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया। ये मेनली आइडिया जो था वो था ए ओ ह्यूम, ये नाम याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, टू डॉक्यूमेंट द कंटेम्प्रेरी एंड बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ एजुकेट एंड मेच्योर्ड इंडिविजुअल थ्रू अ केयरफुल और डिटेल्ड डिस्कशन। कहने का मतलब यह है कि जो इंडिया, उसमें जो एजुकेटेड और मेच्योर्ड पर्सन थे, यानी कि जो पढ़े लिखे और थोड़े से समझदार लोग जो थे, ठीक है, उनके साथ बातचीत करके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए, ना कि लड़ाई झगड़े से या इस तरीके से रिवोल्यूशन के थ्रू। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा कम करने की कोशिश की गई। द चार्ट टू चार्ट अ प्रोग्राम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड पब्लिक गुड फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, ठीक है, तो पूरे आगे एक साल के लिए पूरे प्रोग्राम तैयार करना कि कैसे क्या स्कीम्स रहेंगी, कैसे क्या राइट्स रहेंगे, तो ठीक है, उन सब के ऊपर ये डिस्कशन जो था, जिससे कि शांति वार, यानी कि केवल बातचीत करके ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सके, ठीक है। तो एक उन्होंने क्या किया, एक फॉर्म गवर्नमेंट फॉर्म कर दी एक तरह से, जिसमें क्या है, इंडिया के कुछ लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया, उसमें साथ में मिलाया, ठीक है, जिससे कि बाकी लोगों की जो जो भी शिकायतें हैं वो सुन सकें लोग, ठीक है, और गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। हालांकि होना कुछ नहीं है उससे भी, लेकिन एक रहता है ना कि हमने कह दिया, हमारी बात ऊपर तक पहुंच गई, तो फिर वो लोग इतना ज़्यादा उस चीज़ को माइंड नहीं करते, रिवोल्यूशन तक बात नहीं पहुंचेगी। उसके बाद आती है हमारी लिबरलिज्म एंड लिबरल नेशनलिज्म थिंकिंग। इसका मेनली क्या था, इसमें जो टाइम पीरियड था 1885 से लेके 1905 तक, ये लिबरल पीरियड माना जाता है हिस्ट्री का। इस पीरियड में क्या है,
जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी, इसमें लिबरल यानी कि कह सकते हैं मॉडरेट्स, मॉडरेट्स जो थे, मॉडरेट्स हमारे लीडर एक तो मॉडरेट थे, ठीक है, दूसरे थे अग्रेसिव, यानी कि इनको बोल सकते हैं हम क्या, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, यानी कि मॉडरेट्स जो थे हमारे, उनका क्या था मेनली, वो भी उसी टाइप की थिंकिंग रखते थे कि हर चीज़ का सोल्यूशन बातचीत करके निकाला जाए, ठीक है। उनका क्या रहता था, लोगों की प्रॉब्लम्स वगैरह सुनना, उनका सोल्यूशन निकालना, उसको फिर गवर्नमेंट के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखना अपना प्रपोजल, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर जो भी डिसीजन ले, ठीक है, उसको मानना। तो इस तरह का जो नेशनल कांग्रेस में कुछ लीडर्स थे, जिनका हम जैसे नाम बताएं कुछ लोगों का, तो इसमें मेनली जो थे हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, महादेव गोविंद रानाडे, ये सब जो थे वो मॉडरेट लीडर्स थे, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो ये सब, इन लोगों का भी केवल एक चीज़ था कि हर चीज़ को बातचीत करके और शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व किया जाए हर प्रॉब्लम को। इनकी जो डिमांड्स रहती थी वो क्या थी, तो इनकी जो डिमांड थी, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, जो भी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज थी उसमें इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट किया जाए, जिससे कि हम अपने देश के भले के लिए सोच सकें, काम कर सकें। इंडियन साइज, उसके बाद इंडियन सेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी कि कहने का मतलब जो है IAS, जिसके बारे में आप अभी भी पढ़ते होंगे, ठीक है, जिसको आजकल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलते हैं, IAS, ठीक है, उसमें भी इन लोगों को पार्ट लेने का मौका दिया जाए। पहले नहीं मिलता था, लेकिन जब ये कुछ डिमांड रखी गई थी मॉडरेट्स के थ्रू, तो उसमें इस चीज़ को भी इंक्लूड किया गया। उसके बाद कर्टेलिंग द आर्मिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है, आर्मी एक्सपेंडिचर जो था, ठीक है, उसके ऊपर भी इसमें डिमांड रखी गई। इंडिया शुड नॉट बी मेड टू इनक्योर एक्सपेंडिचर ऑन द ब्रिटिश आर्मी, तो इंडिया जो है, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी जो है उसके लिए जो भी खर्चा हो रहा है वो इंडिया से नहीं लिया जाए, यानी कि इंडिया, देखो, अगर आपकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, बाहर से आई है, उसकी आर्मी ब्रिटिश है, तो उसकी जो सैलरी है, उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है, वो भी आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही देना चाहिए, यानी इंग्लैंड से आना चाहिए, तो उसके लिए इंडिया से कोई भी चीज़ का या उसकी जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका खर्चा इंडिया पे नहीं पड़ना चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड टेक्निकल एजुकेशन, और जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी उनको बढ़ाने की डिमांड, और टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि जो पहले ट्रेडिशनल हमारी टेक्निक्स चलती थी, उनके अलावा भी थोड़ी सी टेक्निकल एजुकेशन को भी इंडियंस को मिलनी चाहिए, जिससे कि वो खुद को डेवलप कर सके। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स ऑफ इंडियन ऑन हायर पोस्ट, और पहले क्या था इसमें, जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो उसमें फिर उसके बाद इंडियंस जो होते थे आर्मी में, ठीक है, या उनकी जो फोर्सेस में, तो उसमें उन लोगों को बिल्कुल भी अपर पोस्ट नहीं दी जाती थी, ना तो उनका प्रमोशन होता था, ठीक है, तो उससे क्या है, तो उसमें उसकी डिमांड भी इन्होंने रखी कि हायर पोस्ट पे भी उनको अपॉइंट किया जाए। रिडक्शन इन टैक्स बर्डन फ्रॉम फार्मर्स, तो फार्मर्स जो थे उन पे जो टैक्स लगाया जा रहा था उसमें भी थोड़ी सी कमी की जाए। तो ये सारी जो डिमांड्स थी वो मॉडरेट्स की थी, ठीक है, ये क्या करते थे, अपनी डिमांड्स रखते थे गवर्नमेंट के सामने, उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं। उसके बाद इनकी इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें या अचीवमेंट की बात करें, तो द मॉडरेट्स डिड नॉट सक्सीड इन अचीविंग देयर डिमांड्स थ्रू अपील और मेमोरेंडम्स, बट दे हैव द क्रेडिट ऑफ बिल्डिंग अ बैकग्राउंड रेडी फॉर अ स्ट्रगल ऑफ फॉर फ्रीडम इन अर्ली लाइफ ऑफ कांग्रेस, यानी कि इनकी जो डिमांड्स थी, ठीक है, उनको मनवाने में ये कामयाब तो नहीं रहे, लेकिन एक बैकग्राउंड इन्होंने रेडी कर दिया था, बना दिया था कांग्रेस के लिए, ठीक है, जिससे कि वो एक तरह से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन सके। दे प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग नेशनल प्रॉब्लम्स एंड एजुकेट पीपल फॉर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, तो ये जो थे, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या किया,
उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया उनको, जिससे कि नेशनल प्रॉब्लम्स जो भी हैं उनको वो डिस्कस कर सकें, एक प्लेटफॉर्म मिल गया लोगों को बात करने का, अपनी समस्याएं बताने का। तो ये सब चीज़ें जो थी वो मॉडरेट्स के संघर्षों के, उनके स्ट्रगल के अकॉर्डिंग या उनके स्ट्रगल की वजह से ये सब चीज़ें प्रोवाइड हो पाई। मॉडरेट्स कंसिडर्ड ब्रिटिश रूल एज अ मीन्स फॉर वेलफेयर, दे नेवर हेजिटेट फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश रूल। दादाभाई नौरोजी मेड पीपल ऑफ इंडिया अवेयर ऑफ अन आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया एंड इट एडवर्स इम्पैक्ट इट हैड ऑन इंडियन इकोनॉमी। यानी कहने का मतलब है दादाभाई नौरोजी जो थे उन्होंने इंडिया के जो लोग थे उनको इस चीज़ से अवेयर करवाया कि जो इंडिया की मनी है, इंडिया का जो पैसा है वो बाहर जा रहा है, ठीक है, इसके उल्टे इफेक्ट पड़ रहे हैं हमारे ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडरेट्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड अ बिल इन 1892 विच परमिटेड इंडियंस टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, तो जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसमें इंडियंस को पार्ट लेने का, अटेंड करने का एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिल पास कर दिया। कब किया? 1892 में। तो ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हो रही थी धीरे धीरे, क्योंकि सीधी सी बात है ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, ठीक है, इसलिए वो थोड़ी बहुत बातें मान भी लेती थी, तो जो उसको सही लगती थी वो मानती थी, जो उसके लिए सही नहीं थी वो नहीं मानते थे वो। तो उससे क्या, थोड़ी बहुत मान लेते तो लोगों का गुस्सा जो है इतने लेवल तक नहीं जा पाता था कि वो रेवोल्यूशन को अचीव कर सकें। उसके बाद फिर हमारे आए एग्रेसिव नेशनलिज्म। अग्रेसिव नेशनलिज्म से मतलब है कि चलो मॉडरेट्स जो थे बातचीत करके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल रहे थे, लेकिन हमारे कुछ ऐसे लीडर्स जो थे, ठीक है, जो कि देख रहे थे कि इनकी अपील्स, इनकी डिमांड्स पे कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ नहीं रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, कोई ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिल नहीं रहा है उसका, तो कुछ लीडर्स जो थे, ठीक है, वो इस चीज़ से थोड़े नाखुश रहते थे, अनसेटिस्फाइड रहते थे। तो उनका जो कहना था वो ये था कि बातचीत से बात बनेगी नहीं, थोड़ा सा कुछ अग्रेसिव करना पड़ेगा जिससे कि लोगों के कान तक बात पहुंचे। कहते हैं उन्होंने बोला, मतलब कह सकते हैं कि अगर अंग्रेजी सरकार को हमारी बात नहीं सुनाई दे रही है तो उनके कानों तक बात पहुंचाने के लिए थोड़ा सा साउंड को बढ़ाना पड़ेगा, इस टाइप की थ्योरी के साथ। तो उसके बाद अब इसके कॉजेस क्या थे, जो इमरजेंस एक्सट्रीम्स थी उनके कॉजेस क्या थे, कह सकते हैं अग्रेसिव जो लीडर्स थे उनका होने का या उनके बढ़ने का कॉज क्या था। सबसे पहली बात, डिससेटिस्फेक्शन ऑफ टुवर्ड्स द वर्किंग ऑफ मॉडरेट्स, यानी मॉडरेट्स का जो काम करने का तरीका था उससे वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उससे कुछ भी अचीव हो नहीं पा रहा था इसलिए। उसके बाद फेलियर ऑफ लेजिटिमेट मूवमेंट्स, यानी हैविंग रिसीव्ड अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट एंड अपील्स फ्रॉम मॉडरेट्स, जो मॉडरेट्स थे उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा अपील और डिमांड आने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनली 1892 में पास किया था एक बिल, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम, लेकिन इसमें भी कोई भी राइट, कोई भी चीज़ इसमें प्रोवाइड इंडियन को नहीं करवाई गई। इससे क्या है, लोगों की जो उम्मीदें थी वो एक तरह से ख़त्म हो रही थी, ठीक है, और जो अग्रेसिव लीडर्स जो थे उनका गुस्सा बढ़ रहा था। उसके बाद रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल, द मेन रीजन ऑफ एमरजेंस ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म वाज रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, व्हाट एवर प्रोमिसेस इंडियन वर गिवन थ्रू द भारत शासन अधिनियम एंड द क्वीन विक्टोरिया अनाउंसमेंट इन 1858, दे प्रूव्ड टू बी ओनली बर्बल फेसेस। यानी कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जितने भी प्रोमिसेस किए वो केवल बोलने वाले थे, कुछ भी अप्लाई नहीं किया उन्होंने। हाँ, बोल दिया सांत्वना के लिए, शांति बनी रहे इस चक्कर में, कि बोल दिया कि हाँ बेटा सब सही रहेगा, सब हो जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कहेंगे वैसे ही होगा, इस तरह की बातें करके, और उन्होंने बस अपना उस टाइम पे पल्ला झाड़ लिया। तो इस तरह की जो उनकी पॉलिसीज थी उससे थोड़ा सा जो हमारे कुछ लीडर्स थे जो थोड़े गर्म मिजाज के थे, ठीक है, इनको हम मेनली अगर बात करें मॉडरेट्स जो थे हमारे नरम दल के, बिल्कुल नरम, ठीक है, सॉफ्ट हार्टेड के, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, जैसा हो रहा है ठीक है काम चलाते हैं, थोड़ा देखते हैं, ठीक है, थोड़ी गवर्नमेंट की भी सुन लो अपनी भी सुना लेंगे बाद में, इस टाइप की उनकी नीति रहती।
लेकिन नरम दल के बाद फिर गरम दल, यानी एग्रेसिव नेशनलिज्म जो थे हमारे, वो कहते थे नहीं, अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो हम जोर से चिल्ला के सुनाएंगे, फिर भी नहीं सुनाई दे रहा है तो हम धमाका करके सुनाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप की उनकी पॉलिसीज रहती थी। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इंडियन एग्रीकल्चर जो था, सीधी सी बात हमने बताया अभी, इसमें डिमांड रखी गई थी टैक्सेस को रिड्यूस करने के लिए, तो टैक्सेस हैवी होंगे तभी तो उनको दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, तो उनकी जो पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की, वो बिल्कुल भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं थी, एक तरह से एक्सप्लोटरी थी वो। ठीक है, उससे एक्सप्लोटेशन हो रहा था। इम्पोर्ट ड्यूटी जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, या जो ब्रिटिश गुड्स था उस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो हटा दी गई, यानी जो टैक्स लगता था वो हटा दिया गया। इसका जो हमारी, अब देखो इम्पोर्ट अगर हम बात करें, बाहर से जो माल आ रहा है उस पर कोई टैक्स लग ही नहीं रहा है, अब उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा, यानी वो सामान सस्ता होगा। हमारे यहाँ जो चीज़ें बनती थी उन पर टैक्स लगता था, तो हमारे यहाँ की जो टैक्स इंक्लूड करके हमें बेचना पड़ेगा उसमें अपना ही प्रॉफिट, तो वो चीज़ें महंगी, वो चीज़ें सस्ती, तो वो चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे, तो ये इंडस्ट्री तो बंद ही हो जाएंगी। कॉटेज इंडस्ट्रीज, हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री है छोटी छोटी, छोटे छोटे व्यापारी लोग, वो तो बंद ही हो जाएंगे, मतलब खराब हो जाएगा उनका तो पूरा काम धंधा। ठीक है, तो इस टाइप से भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। उसके बाद सोशल कल्चर एंड रिलीजियस मूवमेंट, तो 19th सेंचुरी के एंड में जो सोशल कल्चर्स थे हमारे, रिलीजियस मूवमेंट्स थे, कंटिन्यूसली प्रिपेयर्ड इंडियन माइंड सेट टू स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस। तो इस टाइप के जो भी स्ट्रगल हो रहे थे वो इंडियंस के माइंड को सेट कर रहे थे स्ट्रगल करने के लिए, यानी उनको सीधी सी बात समझ में आ गई थी कि कुछ नहीं होने वाला, हमें खुद संघर्ष करना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। ठीक है, ये बात उनको भी समझ में आ गई थी, लेकिन वो तो क्या है, थोड़ी सी शांति वार्ता के थ्रू कुछ लोग उनको समझा देते थे, सो मान जाते थे। उसके बाद नेचुरल कैलमिटीज, यानी कि इसके, इन सब के बावजूद, इतनी खराब कंडीशन होने के बाद कुछ नेचुरल आपदाएं भी आ जाती हैं, जैसे कि मान लो कहीं पे सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी आ जाती थी। और उस पर देखो, अब कहीं पे सूखा पड़ गया, खेती हुई नहीं, टैक्स देना ही है, फिर क्या करेगा, तो उन पे फिर कर्ज वगैरह चढ़ जाता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो आती थी उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट तो उनके साथ बिल्कुल भी रियायत नहीं बरती, उसे तो टैक्स चाहिए ही है। ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न थिंकिंग एंड फॉरेन रेवोल्यूशंस, तो जो वेस्टर्न थिंकिंग थी, ठीक है, जैसे द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इनवेल्ड मैनी एजुकेटेड इंडियंस टू कम अक्रॉस द वेस्टर्न रेवोल्यूशन आइडियाज। ठीक, जैसे कि अब इंडियंस जब थे, ठीक है, पहले तो किसी को कुछ पता नहीं रहता था, लेकिन जब वो पढ़े लिखे, ठीक है, एजुकेट हुए, तब उन्हें समझ में आई फॉरेन रेवोल्यूशंस के, यानी कि जब बाहर जो हुए, जैसे रशिया में हुआ था, फ्रांस में हुआ, तो इस टाइप के जब उन्होंने रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा, सुना, तो उन्हें भी समझ में आया कि नहीं, कैसे इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा जो इसमें दिक्कत वाला काम हुआ, वो हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का पार्टीशन क्यों हुआ, क्योंकि देखो बेटा, सबसे उस टाइम की बात करें हम, तो बंगाल जो था सबसे बड़ा एक एरिया था, ठीक है, सब अपने आप में बहुत बड़ा एरिया था, तो उसको क्या है, वो उनको एक ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये डर था कि बंगाल अगर खुद इकट्ठा हो गया या वहाँ पे यूनिटी बन गई तो वो दिक्कत कर सकते हैं वो लोग, तो उसको क्या किया उन्होंने, पार्टीशन कर दिया उसका। उसका क्या कर दिया उन्होंने, पार्टीशन कर दिया। तो इससे भी काफी ज्यादा दिक्कत हुई। तो लॉर्ड कर्जन तो थे, 1905 में डिवाइड कर दिया बंगाल को दो पार्ट्स में। ठीक है, पॉलिसी उनकी वही डिवाइड एंड रूल की, दिस वॉज कॉन्स्पिरेसी टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम ऑफ बंगाल एंड ब्रेक द बॉन्ड ऑफ यूनिटी बिटवीन देम। ठीक है, यानी कि ये इंडियंस एक ना हो जाएं, ठीक है, इंडियंस क्या है, एक ना हो जाएं, इनके बीच में कोई यूनिटी डेवलप ना हो जाए, उसके लिए इन्होंने क्या किया, बंगाल को ही दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस टाइप की जो पूरी प्रोसेस चल रही थी उससे लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था, हमारे जो एक्सट्रीम या कहें एग्रेसिव नेशनलिज्म जो थे, ठीक है, उनमें काफी ज्यादा गुस्से की भावना पनप रही थी। ठीक है, तो अब उनकी इम्पोर्टेंस क्या थी, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट पे विश्वास करते थे। ठीक है, उन्हें नहीं कि हमने आज हमने बिल पास किया, फिर वो वहां जाएगा, फिर वहां से वो सोचेंगे, फिर वहां से उसका आंसर आएगा, कब तक, इतना टाइम नहीं है हमें, तो जल्दी से जल्दी चाहिए सब कुछ। ठीक है, तो एक्सट्रीम जो हमारे मॉडरेट्स थे उनका केवल यही कहना था,
उसके बाद अगर हम बात करें इसमें मेन लीडर कौन से थे, तो इनमें जो मेन लीडर थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये सब जो थे जिनको जैसे कह सकते हैं लाल बाल पाल, इनको बोलते थे एक साथ में, एक्सट्रीम लीडर्स थे। ठीक है, तो जो बाल गंगाधर जो तिलक थे उनका कहना था स्वराज इज माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट, यानी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। स्वराज मतलब खुद का राज, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। मतलब कि जो मॉडरेट्स थे उनकी केवल थ्योरी ये थी कि चलो ब्रिटिश गवर्नमेंट है अपने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, उनके साथ मिलके हम अपना पूरा देश चलाएंगे। लेकिन इन लोगों का मानना ये था कि नहीं, हमारा देश है, हम खुद चला लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला कि जन स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो इस टाइप की ये थ्योरीज के ऊपर काम करते थे। जो उसके बाद फिर जो हमारे नेक्स्ट थे बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ओरेटर थे, यानी कि इनकी बातें जो थी वो काफी ज्यादा लोगों को प्रभावित करती थी, इन्फ्लुएंस करती थी। ठीक है, ही वॉइस्ड हिज ओपिनियंस थ्रू न्यू इंडिया एंड वंदे मातरम। ठीक है, न्यू इंडिया एंड वंदे मातरम, वंदे मातरम का जो नारा था इन्होंने ही दिया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ड्रॉइंग हिज थिंकिंग टुवर्ड्स रेडिकल नेशनलिज्म। बिपिन चंद्र पाल प्लेड अ मेजर रोल इन नेशनल अवेकिंग इन बंगाल। बंगाल का जब पार्टीशन हुआ तो वहाँ पे भी ये गए, इनने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की लोगों को एकजुट करने में, काफ़ी ज़्यादा उनको समझाने में। ठीक है, लाला लाजपत राय जो थे वो अगेंस्ट थे मॉडरेट थिंकिंग के और उनके एक्शंस के इन कांग्रेस। ही प्रमोटेड वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसके अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट मतलब उसका विरोध किया। ही बिलीव दैट स्वराज वॉज असेंशियल फॉर द नेशंस डेवलपमेंट एंड नो रिफॉर्म्स एंड गुड गवर्नमेंस कुड एवर रिप्लेस स्वराज। ठीक है, यानी कि स्वराज जो है अब नेशन के लिए या कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। ठीक है, इसको और कोई भी चीज़ अब रिप्लेस नहीं कर सकती, अब हमें खुद का ही शासन चाहिए, इसके अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास अब बचा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका यानी कि आफ्टर 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद क्या क्या कंडीशंस बनी। ठीक है, तो ये उसका चैप्टर था, 8th चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर्स को साथ में अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोनों के, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट करते हैं ये। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना है, इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज एक बार फाइंड करना, जो भी चीज़ समझ में नहीं आएगी उसको लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।